हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइट एंड फॉलो टीचर पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फाइनली काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गए हैं, कब से क्या होना है और किस तरीके से आप शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कीजिए महाराष्ट्र नीट यूजी 2021 सीईटी सेल। जब आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। ये रहा काउंसलिंग का शेड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख जाएंगी। डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17 जनवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। आप यहां पर देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है सभी कोर्सेज के लिए है। कौन कौन से? MBBS, PDS, BMS, PHMS, BUMS, PPTS, POTS, PASLP और BP&O, BSc नर्सिंग, ये जो कोर्सेज हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक्टिविटी, इधर देख पा रहे होंगे डेट। पॉइंट नंबर वन में कहा गया है पब्लिकेशन ऑफ जनरल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ फेज 1, 2, 3, 4 ये सभी कोर्सेज के लिए। मतलब ये है कि ये जो कोर्सेज हैं इनमें जितने भी कैंडिडेट्स फेज 1, 2, 3 में रजिस्टर कर चुके हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका जो जनरल लिस्ट है वो जारी किया जाएगा 19 जनवरी 2022 को 3 PM यानी कि 3 बजे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर टू, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज ऑफ नीट यूजी 2021 फॉर स्टेट काउंसलिंग। तो महाराष्ट्र नीट यूजी का जो काउंसलिंग है उसका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा 19 जनवरी 2022 को 6 PM पर यानी कि शाम 6 बजे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर MBBS PDS कोर्सेज। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, देखिए जो सीट मैट्रिक्स है MBBS या फिर BDS कोर्स के लिए वो जारी किया जाएगा 20 जनवरी 2022 को 8 PM पर यानी कि शाम 8 बजे। यहाँ पर बात हो रही है MBBS एंड BDS कोर्स का जो सीट मैट्रिक्स है उसकी, यानी कि MBBS BDS का जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी किया जाएगा इस डेट को और इस टाइम पर। ध्यान रखिएगा ये सभी कोर्सेज के लिए नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर थ्री, ये ओनली MBBS BDS कोर्स के लिए। पॉइंट नंबर फोर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन प्रेफरेंस या फिर चॉइसेस फिलिंग प्रोसेस फॉर MBBS BDS कोर्सेज ओनली। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा 21 जनवरी 2022 को और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022। ठीक है, अप टू 11:59 PM, मतलब कि आप 28 जनवरी 2022 को रात 11:59 तक MBBS या फिर BDS कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर जो है ये ओनली MBBS एंड BDS कोर्स के लिए है, उनका चॉइस फिलिंग करने के लिए। आप यहां पर देख पा रहे हो पॉइंट नंबर फाइव, डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्शन लिस्ट ऑफ फर्स्ट CAP राउंड फॉर MBBS BDS कोर्सेज ओनली। इसका मतलब क्या है समझिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है MBBS एंड BDS कोर्स के लिए वो आएगा 31 जनवरी 2022 को आफ्टर 5 PM यानी कि शाम 5 बजे के बाद आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का वो जारी कर दिया जाएगा। किसके लिए? MBBS BDS कोर्स के लिए। अदर कोर्सेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है MBBS BDS कोर्स की। तो MBBS BDS कोर्स फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसमें जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे यानी कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट है वो इस डेट को जारी किया जाएगा 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉइंट नंबर सिक्स, फिजिकल ज्वाइनिंग टू द सेलेक्टेड कॉलेज एज पर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट CAP राउंड फॉर MBBS BDS कोर्सेज ओनली। तो फिजिकल ज्वाइनिंग जो है मेडिकल कॉलेज में या फिर डेंटल कॉलेज में फर्स्ट राउंड की बात हो रही है तो वो होगी 1 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 तक, अप टू 5 PM यानी कि शाम 5 बजे तक। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो लास्ट पॉइंट, उसका डेट है 1 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 अप टू 5 PM। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग। और यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।